के कोने कोने से आए हुए हमारे युवा और अन्य साथी, हमारी आजादी को 70 साल हो गए, संविधान बने 68 साल हो गए, लेकिन जो सपना लेकर हम चले थे कि धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाएंगे, क्या आज हमको वो पूरा होता हुआ दिख रहा है? अगर हम देखें इस देश में समता का क्या हुआ, तो एक तरफ हमारे किसान भाई लाखों के तादाद में आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे आधे बच्चे कुपोषित रहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं अंबानी अडानी के जैसे जिनके पास लाखों करोड़ की संपत्ति है। धर्मनिरपेक्षता हमने इसलिए चुनी क्योंकि हमको ये समझ थी कि यहाँ अनेकता ही हमारी पूंजी है, जो इस देश की धार्मिक, कल्चरल, हर तरह की अनेकता है, डाइवर्सिटी है, यही हमारी पूंजी है। इसी से इसके रहते हुए हमारा विकास और अच्छा होता है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर, दलितों के ऊपर ऐसा हमला किया जा रहा है और सबको ये कहा जा रहा है कि सब लोग हिंदू बनो, सब लोग जो हम कहते हैं वो करो। जो जना जो आज की रूलिंग पार्टी है, भाजपा, आरएसएस और इस तरह के तमाम संगठन हैं, जो लोग उनसे नहीं सहमत हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, उनके खिलाफ झूठ अफवाहें फैलाई जाती हैं, उनके साथ मारपीट करी जाती है। हमने सोचा था शुरू में, हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि हम कुछ लोगों को वोट डालकर चुनेंगे और वो लोग हमारे लिए तय करेंगे, ऐसा लोकतंत्र बनाया था। लेकिन हमको उम्मीद थी कि आगे चल के ये लोकतंत्र बेहतर होगा, कि उसमें जनता की सीधी भागीदारी आएगी, कि इलेक्शन में जो पैसे की विषमता है ये खत्म होगी, पैसे का जो दबदबा है, पैसे का जो बोलबाला है इलेक्शन में, वो खत्म होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों की भागीदारी तो हमारे लोकतंत्र में लाई नहीं गई, और दूसरी तरफ पैसे का बोलबाला और बढ़ाया जा रहा है। इस साल 3 संशोधन, पिछले साल इस साल चुनाव के जो पार्टियों को जो पैसा दिया जाता है, जो डोनेशन दिए जाते हैं, उसमें 3 बदलाव किए गए। पहला ये बदलाव किया गया पिछले साल के फाइनेंस बिल में कि विदेशी कंपनियों से भी पॉलिटिकल पार्टियां पैसा ले सकती हैं, और ये बदलाव तब किया गया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पाया कि कांग्रेस और भाजपा विदेशी कंपनियों से पैसा ले रही थी और आदेश दिया कि इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तब फिर प्रोसिक्यूशन करने के बजाय ये बदलाव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कर दिया गया। 2 बदलाव इस साल हुए। वैसे भी ज्यादातर पार्टियां हजारों करोड़ रुपया काला धन ले लेती थी और बताती थी कि हमको 20,000 से कम हमने चादर फैलाई और लोगों ने उसमें 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए डाल दिए और हमको 10,000 या 2,000 करोड़ रुपया चंदा मिल गया, क्योंकि उसको डिक्लेयर नहीं करना होता। लेकिन जो पैसा 20,000 से ज्यादा आपको मिलता है, उसको डिक्लेयर करना होता है कि किसने पैसा दिया। इस साल उन्होंने एक संशोधन और कर दिया कि कितना भी पैसा कोई भी जना या कोई भी कंपनी
पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा दे सकती है, जिससे किसी को ये ना पता लगे अगर कोई जना घूस के तौर पर भी 100 करोड़ रुपए भाजपा को देता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा देता है, तो किसी को पता नहीं लगेगा कि किसने पैसा दिया और घूस के तौर पर दिया गया। पहले 7.5% अपने प्रॉफिट के 7.5% से ज्यादा कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकती थी, उसको भी बदलकर वो लिमिट हटा दी गई कि कोई भी कंपनी कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को दे सके। तो पैसे का बोलबाला जो चुनाव में कम होना चाहिए था, कम होने के बजाय उसको और बढ़ाया जा रहा। गणतंत्र, हमने गणतंत्र स्थापित किया था कि हर नागरिक के कई मौलिक अधिकार होंगे, अपनी राय रखने के, कहीं पर जाकर मीटिंग कर लेने के, किसी के साथ भी मिलने का। लेकिन आज उन सब मूल्यों पर, सारे मौलिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। जो जना सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ सेडिशन का केस बनाकर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई कई जगह ये हो रहा है। अगर कोई जना कोई हिंदू है, कोई मुसलमान से शादी कर ले, तो उनको मारपीट करी जाती है, उनको भी कई बार जेल में बंद कर दिया जाता है लव जिहाद के नाम पर। पहले हम कहते थे जब इमरजेंसी हुई थी, इमरजेंसी के दौरान हमारे लोकतंत्र को खतरा था, लेकिन आज तो हमारी सभ्यता को ही बहुत बड़ा खतरा हो गया। ऐसी सभ्यता यहाँ पर ये भाजपा और आरएसएस वाले चला रहे हैं, जिसमें गाली देना, झूठ फैलाना, मारपीट करना, ये सब उनके बड़े जो लीडर हैं, उनका जो एक सोशल मीडिया का तंत्र है, जिसके कि लीडर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके द्वारा इस तरह का कल्चर फैलाया जा रहा है। यूनिवर्सिटियों के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। जेएनयू में प्रोफेसर का चयन के लिए जो इंटरव्यू कमेटी बनाई गई, उसमें इंटरव्यू कमेटी में प्रोफेसरों के चयन के लिए लोगों से ये पूछा जा रहा है कि तुमको गौशाला के बारे में क्या आता है, तुम गौशाला चला